अमृत

श्री राम जय राम जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की आज काल की साधना बैठक में चर्चा की थी कि जनक कह रहे हैं कि ना हम दे हो मैं देह नहीं सुनते आप भी हैं चूंकि जी ने कहा था तीन प्रश्नों के उत्तर में कि ज्ञान कैसे होता है मुक्ति कैसे होगी अष्टभक्त जी ने कहा था मुक्ति के लिए यदि तू यदि देह देहम पृथक रखते यदि तू देह को पृथक कर दे अर्थात देह को कोई दूर रख दे नहीं देह से तू पृथक है देह तुझसे पृथक है देह और चीज है तू और चीज है एक दिया जलता है ज्योति और चीज है जिस बर्तन में जलता है वो और चीज है इतनी सी बात है यदि तू देह को पृथक करके चित्त विश्रम में चित्त विश्राम में तो चिद भाव में केवल चैतन्य मन में विश्राम कर पदार्थों में विश्राम मत कर दिखने वाली चीजों में विषयों में विश्राम मत कर विषयाराम मत हो विषय मत हो आत्मा राम हो तू अपने चितपन में आराम सुख अनुभव कर तू अपने आप में आनंद अनुभव कर चीजों में नहीं पदार्थों में नहीं देह द्वारा किसी अन्य का नहीं इस देह में रहकर ही तू चेतन है और तू आनंद है तू अविकारी है इस चिद भाव में इस इस भाव में विश्राम कर तू विकारी नहीं है तुझे लगता है कि मैं विकारी हूं तुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा तुझे लगता है मैं कामी क्रोधी हूं और इसका कारण बाहर की आशक्ति है नहीं तू काम ही नहीं है तू क्रोधी नहीं है तेरा असल में अभी घर और कोई है जिस घर में रहता है वहां समस्याएं हैं जिस देह को मैं माना है उसके कारण बहुत दुख है जिस मन इंद्रियों को अपनी मान के इनकी सेवा में लगा है यही तेरे दुख का बंधन का कारण है इसलिए यदि तू देह को पृथक करके अपने चित्त स्वरूप में चैतन्यपन में विश्राम करे कई लोग कहते हैं हम नहीं जानते आत्मा क्या है चैतन्य क्या है हमें ज्ञान नहीं होता अब इतनी मोटी अकल है तुम्हारी इतने बुद्धू हो कि तुम्हें चैतन्य का पता नहीं चलता फिर कभी कभी मुझे अपने ऊपर भी तरस आता है कि एक समय तुम चेतन हो मेरी समझ नहीं आता था लगता था देश अलग मैं कैसे हूं समझ ही नहीं आता था खूब सुना घट दृष्टा घटात भिन्ना घट का घड़े का देखने वाले घड़े से अलग होता है देह को जानने वाला देह नहीं होता मन को जानने वाला मन नहीं होता नहीं समझ में आता था सब खिचड़ी हुई थी ये प्रॉब्लम तुम्हारे ही सामने नहीं है हम कोई गुरु बन के धरती पे नहीं आए थे बहुत आए हैं जो डायरेक्ट गुरु ही आए हैं हम तो चेले आए थे अज्ञानी आए थे नासमझ आए थे जैसे तुम हो तैसे ही आए थे ऐसे ही समझ थी तो समझाते समय लगता था कि हां कहते यही थे कि हम चैतन्य हैं हम ब्रह्म है, ये जागर स्वप्न सुसुप्ति इसके धर्म है मरना देह का है तर्क से प्रभावित होते थे पर ये अनुभूति नहीं बनती थी लेकिन थोड़ा प्रयत्न करो विश्वास करो अपने अनुभव को तिलांजलि दो तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें पकड़ रख तुम्हारी पहले की जो अनुभूति है कि मैं करता हूं मैं पापी हूं अब हम कितना कहें तू पापी नहीं है तू पाप का करता ही नहीं है समझ ही ना आएगा एक तरफ तुम पाप किए जा रहे हो और हमारे कहने पर कि तुम पापी नहीं हो मान नहीं पाओगे कई बार अपराधी आदमी कोर्ट से बरी हो जाए तो खुश तो होगा पर अंदर यही मानेगा हूं तो मैं कत्ल करने वाला हूं तो मैं बेविचारी बलात्कारी लेकिन चलो वकील की दया से मैं कोर्ट से तो बरी हो गया हूं पर हूं मैं बदमाश कई बार दलीलों से छूटने की खुशी है ये अच्छा लगता है कि तुम मुक्त हो पर फिर भी अंदर ग्लानी है कि मैं मुक्त कहा हूं मैं बंधा हूं मेरे में ये कमी है ये कमी का चिंतन ही दुख है तुम्हारी खोपड़ी से ये कैसे निकले कि तुम में कोई कमी नहीं है तुम इंद्रिय के द्वारा हुए व्यवहारों को अपने ऊपर लाद कर मैं खराब हुए ये माने जा रहे हो जिस नैतिक जगत में तुम रहते हो वहां सिखाया गया है कि ये पाप है ये फलाना है समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था एक बूढ़ा मर रहा है फिर भी बेचारा दुखी मर रहा है कि मैंने बहुत पाप किए ज्ञानी की पहचान है कि पुराने पापों से वर्तमान से और भविष्य तीनों कालों के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है समाज की दी गई धारणा आपको बांधे हुए है अष्टावक्र के वचन भी कई को नहीं जम रहे और नैतिक नीति शास्त्रियों को तो वेदांत बहुत ही बुरा लगेगा जब वो कह देंगे कि तुम्हारे धर्म नहीं है तो लोग डरते हैं कि लोग बदमाश हो जाएंगे बुरे हो जाएंगे पापी हो जाएंगे एक बात मैं और कह दू तुम मोक्ष चाहने आए हो पाप करने का रास्ता ढूंढने नहीं आए यदि ये सच्चाई है तो तुम कितने पापी रहे हो तुम मुक्त हो जाओ पर शर्त यह है कि तुम पाप करने के लिए यहां मेरे तर्क सुनने नहीं आए सचमुच अंदर मुक्ति का अनुभव करने आए इन हमारी दलीलों का दुरुपयोग नहीं करना है इन दलीलों से तुम्हें मुक्त होना है ये दलीलें तुम्हें मुक्त अनुभव कराने के लिए हैं पाप की छूट देने के लिए नहीं यदि इस सच्चाई का तुम पालन करते हो और थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो तुम मुक्त हो जाओ कह रहे है कि यदि तू देह को पृथक करके अपने को चैतन्य समझेगा निर्विकार समझेगा आनंद रूप समझेगा तो तू अपने आप में आनंदित होके इस बंधन से छूट जाएगा और ये नहीं कहा कि धीरे धीरे अभी अभी चित्र विश्राम अजुन वो सुखी शांतो, अभी तू सुखी हो जाएगा अभी शांत हो जाएगा अभी मुक्त हो जाएगा अभी पाप पुण्य की ग्रंथि तेरे दिमाग से चली जाएगी पापी ही नहीं तू पुण्य आत्मा भी नहीं क्योंकि वो तो एक ही लाइन पे खड़े हैं कि तू पापी है यदि इन कर्मों से तू पापी है तो इस कर्म से पुण्यात्मा है लाइन तो एक ही है यदि इन इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म से तू पुण्यात्मा बनता है तो निश्चित तू पापी बनेगा ही बनेगा जिस नाक से तू सुगंध लेता है ये नाक तुझे दुर्गंध भी देगी तू सोचता है सुगंध आनी चाहिए दुर्गंध नहीं तू करता है तो यदि पुण्यात्मा है यज्ञ का करता है बड़े पुण्य किए हैं तो पाप की ग्रंथि भी रहेगी कि बहुत तो यज्ञ किए पे छिपा के पाप भी किए हैं पुण्य सबको मालूम है पाप तुझे अकेले मालूम है पापों का पता किसी और को नहीं होगा पर फिर भी बताऊं तेरे पुण्य कोई देखे ना देखे पर तेरे पापों पे नजर सब की है पढ़ पाए या ना पढ़ पाए सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे तुम्हारे पापी होने का पता मुझे चल जाए तो तुम पर ताने मारूं व्यंग करूं कटाक्ष करूं अपमानित करूं चारों तरफ से तुम्हारी भी नजर यही देखती होगी अपने अंदर की नहीं दूसरे की देखने का मन करता है जो दिखते हैं अपने दिखते हैं उनमें पर्दा डाल रहा है जिनके दिखते नहीं उनके उगाड़ने में लगा पड़ा है तुम भी दूसरे के पाप उघाड़ने में लगे हो और अपने पाप क्या तुम अपने पाप बता सकते हो क्या तुम अपने पुण्य भी छिपा सकते हो पांच का नोट चढ़ाओगे तो घंटे भर दिखाओगे कि सारी जनता देख ले अष्टावक्र गीता तुम्हें मुक्त करने के लिए है चोर डकैत बदमाश कातिल हत्यारा व्यविचारी बनाने के लिए नहीं है तुमको ग्रंथी मुक्त करने के लिए तुमको ग्रंथी मुक्त करने के लिए अब औरों के हो वो भी ठीक कर लो जो अष्टावक्र जी ने बताया कि तू देह से पृथक करके आत्मा में विश्राम कर अभी मुक्त हो जाएगा वो अभी अभी बताया अभी अभी मुक्त जनक कहते हैं नाह जो सुना था वो समझा टेप नहीं हुआ केवल टेप नहीं टेप समझता नहीं तुमसे भी मैं उत्तर नहीं चाहता जनक उत्तर नहीं दे रहे अपना अनुभव बता रहे ये ध्यान रखना उत्तर तो तुम भी दे सकते हो जनक उत्तर नहीं दे रहा जनक ने जो जाना अनुभव किया जो रस पाया वो बता रहा है मैं देह नहीं हूं न मैं देह हो, न देह मेरा है जीवो ना हम मैं जीव नहीं हूं ये जो जगना आभास सूर्य कहता है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये मैं नहीं हूं यद्यपि मेरे से अलग नहीं है पर यदि मैं रिफ्लेक्शन हूं कहूं तो इसका मतलब मैं सो गया जग गया आ गया चला गया पैदा हो गया खत्म हो गया ये कहना पड़ेगा इसलिए पहले मैं निषेध करूँगा नहीं तो हूं तो मैं ही आभास भी मैं ही हूं आभास ही मैं हूं ये गलत है आभास भी मैं हूं तुम अभी जीव ही हो ब्रह्म नहीं हो फर्क समझ लेना ब्रह्म होने के बाद जीव भी तुम हो और कहां से आ गया जीव ईश्वर भी तुम ही हो कहां से आ जाएगा ईश्वर तुम ही जगत हो कहां से आएगा जगत लेकिन पहले देह हो हम नहीं पहले देह मैं नहीं हूं जीव में नहीं हूं पहले यह समझना कंपलसरी है जरूरी है पहले मैं करता नहीं हूं पहले मैं भोगता नहीं हूं फिर भोगने वाला और कौन है तेरे सिवा निर्गुणम गुणभोग पर दोनों होने का आनंद अलग है एक होने का आनंद अलग है केवल भोगी होना ठीक नहीं है मैं अभोक्ता भी हूं भोक्ता भी हूं मैं जीव नहीं हूं चैतन्य हूं और मैं ही तो जीव हूं और कहां से आएगा मेरी सत्ता के बिना जीव कहीं हो सकता है मैं लहर नहीं हूं ये पहली अच्छी बात है क्योंकि तुम जिस मूर्खता में फंसे हो वो पहले छूट जाए कि तुम लहर हो मर जाओगे पैदा हुए हो तुम लहर नहीं हो तुम पैदा नहीं हो तुम जल हो फिर तुरंत कहो मैं जल हूं मैं कभी नहीं पैदा होता कभी नहीं मरता वैसे पैदा होने वाली लहर मेरे अलावा है भी क्या हूं तो मैं ही ज्ञानी जब कहता है सब मैं हूं तो मरता वरता नहीं है जब तुम कहते हो ये मैं हूं तो मर रहे हो ज्ञानी के बाद में तुम्हारे में बड़ा फर्क है तुम करते हो तो भोगी होते हो बंधन में होते हो वो करता है तो मुक्त रहता है ज्ञान की महिमा इतनी बड़ी है ये नैतिक लोग नहीं समझेंगे आध्यात्मिक लोग समझेंगे ये विद्या नैतिकों की नहीं है ना अनैतिकों की है ये भी बता दो ये विद्या अनैतिक आचरण करने वालों की भी नहीं है ये विद्या नैतिक चरण वालों की नहीं है ये तो सिर्फ मोक्ष चाहने वालों की विद्या है तुम मुक्त होना चाहते हो ना तो जब गुरु कहता है ये तुम्हारे कर्म नहीं है इसमें तुम रस क्यों ले रहे हो तुम अपने आत्मा में रस लो ना तू अपने आप में विश्राम कर तू दे नहीं है जनक कहता है मैं दे नहीं हूं दे मैं नहीं हूं नहीं दे मेरा नहीं है जीव मैं नहीं हूं ये जगना सोना मेरे धर्म नहीं है ये आभाष के हैं सूर्य कह सकता है कि ये प्रकट हो जाना छिप जाना हिल जाना इधर उधर को मुड़ जाना ये आभा शीशे के धर्म है मुझ सूर्य के धर्म नहीं है और ये धर्म नष्ट नहीं होने ज्ञान से भी ये धर्म नष्ट ये जगना सोना ज्ञान के बाद खत्म होने वाला ये जगना सोना जैसे पहले चलता था जब हम मूर्ख थे वैसे ज्ञान के बाद चलता है ये बात बड़ी गहरी है तुम सोचते होगे, हम नहीं सोते इसका मतलब सोना बंद हो जाए सूर्य ने कहा मैं कभी नहीं पैदा होता कभी नहीं प्रकट होता कभी तिरोहित नहीं होता तो यदि समझ के कहा होगा तो नहीं होता आभास होता है प्रकट होता है तिरोहित तो होता है एक तरफ कहता है मैं कभी प्रकट नहीं होता फिर कहता है ये फिर क्यों प्रकट हो गया इसका मतलब तू सूर्य है ये ठीक से अभी आभास कोई मैं कह के कहना चाहता है मैं सूर्य हूं कभी नहीं बुझता कभी नहीं जलता अहमपना तेरा आभास में है बातें तू सूर्य की करता है यदि तू सूर्य है तो कभी पैदा होता ही नहीं है तू आभास है या साक्षी पहले विचार कर तू जीव है या चैतन्य आत्मा कई लोग पूछे जीवात्मा परमात्मा आत्मा में क्या फर्क है कई कई शब्द बोले जा रहे हैं भ्रम टूटना जरूरी है समाधि लगाना जरूरी नहीं है यह ध्यान रखना मैं देह नहीं हूं देह मेरा नहीं है देह ही नहीं जीव भी नहीं हूं जो जगता है ना कर देह को जानने लगता है ये सत्य नहीं है ये जो सो जाता है ये टेम्परेरी है ये मेरी छाया है ये मेरा रिफ्लेक्शन है मेरा चीदा है तू चाहे ये जगे ना सोए ना तो बुद्धू है तू तो इसी में लटका रहेगा कि हमेशा समाधि बनी रहे हमेशा ही जागे रहो स्वामी जी मैं एक आध दिन तो जाग सकता हूं पर तो फिर नींद आई जाती है अष्टावक्र कहेंगे तू तो मूरख आदमी है तेरे में जनक जैसी लगन समझने की नहीं है तू अपनी धारणा में जिए जा रहा है ये जगना सोना मेरा बंद हुआ है अष्टावक्र कह सकते थे कि मैं जगना सो मेरा यहां बंद नहीं हुआ तो तेरे यहां क्या बंद हो जाएगा तू मेरे से आगे है क्या ये कहावत तेरे में लागू होगी गुरु गुरु चेला शक्कर हो गया कि गुरु जगते सोते हैं ठाठ से फिर भी कभी जगते सोते नहीं देखो दोनों काम एक साथ खूब सोते हैं और एक साथ कभी नहीं सोते एक साथ जन्मते मरते हैं बातें करते हैं और कुछ नहीं करते के आ, ये जो जीव का त्योह है सदा निर्लेप गुरुओं ने नहीं कहा कि समाधि में अलेप जब समाधि से हटेगा तो लिप्त हो जाएगा आभास ही लिप्त सा लगने लगता है आभास ही अलिप्त सा लगने लगता है आत्मा तो सदा ही अलिप्त है तू आत्मा है क्या तूने आत्मा को आत्मा जाना क्या तू तो देह को माने बैठा है बहुत हिम्मत जुटाई तो इस आभास को मैं मैं जग जाता हूं मैं सो जाता हूं मैं ऊपर समाधि में चढ़ जाता हूँ फिर कभी कभी नीचे गिर जाता हूं तेरे को मैं का पता भी है असली मैं का अब मेरा मन करने लगा कि इस समय तो अष्टवक्र गीता पूरी होगी नहीं पर लगता है इसे को कभी ना कभी पूरी करना ही है अभी तो बहुत बाकी है क्योंकि मैंने पहली बार स्वयं पढ़ा तो मुझे लगा तीन ही प्रश्न है फिर कोई प्रश्न नहीं कोई उत्तर नहीं फिर मैंने समझा कि जनक ही बोले जाएगा पर अगले अध्याय में फिर अष्टावक्र बोलेंगे फिर अष्टावक्र की सुन के फिर जनक बोलेंगे अंत कहां होगा मुझे खुद पता नहीं अंत तक मैंने अभी पढ़ा ही नहीं मैंने तो शुरू किया है कोई चीज अच्छी लगती है तो फिर वो छोड़ती नहीं है या तो पीना शुरू नहीं करो नहीं तो शराब तुम्हें पकड़ लेगी मुझे अष्टवक्र गीता ने पकड़ लिया मैं तो ऐसे ही सोचता था कि सात दिन कैसे पार करूंगा कुछ करना ही पड़ेगा तो मैंने अष्टवक्र गीता उठा ली अवस्टा वक्र गीता ने मुझे ही उठा लिया क्या कहने का ढंग है मैं जीव नहीं हूं जीव नहीं माने आभासंस मेरा स्वरूप नहीं है ये जो रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन अंश है ये मेरा शुद्ध मैं नहीं है ये जो मेरा लहर पना है मेरा निज रूप नहीं है, है। पर मेरा निज रूप नहीं बस इतना ही समझना गहने हैं पर ये सोने का मुख्य मैं नहीं है ये सब कुछ है पर ये तुम्हारा मैं पना नहीं है तुम्हारा मैं पना इसके अलावा ही है कुछ तो कहते हैं आभास अपने को मानकर सदा जीना चाहता था सदा जगा रहना चाहता था यही तो है जीना तो जनक क्या कहते यही केवल मेरा बंधन था कि मैं आभास अपने को मानकर जीता रहना चाहता था जागे रहना चाहता था नींद आती थी तो छाती कूटता था कि मेरी समाधि नहीं रहती जगना नहीं रहता फिर सो जाता हूं फिर देह में आता हूं फिर देह चला जाता है ये कैसे रोकू पहले मेरा जो मैं पना है आभास में था और ये मान करके अज्ञान बस जीना चाहता था ये जो जीने की तृष्णा थी जीने की स्प्रिया थी कि मैं मर ना जाऊं यही मेरा बंधन था मैं मरता ही नहीं मुझे पता ही नहीं था सुनने के बाद भी तुम्हारी निष्ठा ना बने ये तो हो सकता है पर बिना इसके सुने घर में बैठे निष्ठा बन जाए ये कभी नहीं हो सकता इसलिए समय निकाल कर ना समझ आए तो भी सुनो समझ आए निष्ठा ना बने तो सुनो क्योंकि सुन सुन करके ही निष्ठा बनेगी परिपक्व हो जाओगे हम कोई ऐसे ही थोड़ी हो गए तुम समझते हो गए कि आज मैं इतना ऐसी बातें करता हूं बस इतना ही है कि तुम और कहीं लगे रहे मैं यहां लगा रहा तुम्हारी लगन उसमें थी मेरी लगन इसमें थी जिसकी जाही में लगन वो वाहि में मगन हम इसमें मगन रहे तुम भी मगन रहने लग जाओ आज नहीं कल काम बन जाएगा तुम एक कमरा बनवाओगे पर पांच कैसीट न ले जाओगे तुम्हारी आत्मा होने को मैं लानत कहूं कि धन्यवाद दू तुम लाखों रुपया दान करोगे पर मेरी कैसिट नहीं सुनोगे तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूं तुम बड़े पुण्यों के लालच में स्वर्ग के उसमें पड़े हुए हो अभी अभी मोक्ष मिल सकता है इस आत्मक ज्ञान से उसमें तुम्हारा झुकाव नहीं है जनक कह रहे हैं मेरा इतना ही बंधन था और कोई था ही नहीं क्या ना समझी से मैं जीना चाहता था डरता रहता था अब समझ आई जीना क्या जीने की इच्छा की जरूरत क्या जब मैं मरता ही नहीं हूं जब मैं बदलता ही नहीं हूं तो न बदलने का प्रश्न ही क्या है जब मैं बिकारी ही नहीं हूं तो मतलब क्या है जब मैं सोता जगता ही नहीं हूं तो जागने की कोशिश क्या है और जब मैं करता ही नहीं हूं तो फिर बंधन क्या है फिर पापी क्या हो? पुण्यात्मा क्या भले तुम्हारी पापी होने में रुचि नहीं है भले तुम्हारे पुण्य में रुचि है पर दोनों ख्याल ही है ये अज्ञानी ही पाप और पुण्य करता है अज्ञानी ही पाप और पुण्य करता है अज्ञानी ही करता भोगता है अज्ञानी ही जीव है ज्ञानी तो ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप अष्टावक्र गीता का मतलब यह है सब ग्रंथों को खोल देना दुनिया का कोई ग्रंथ आध्यात्मिक ऐसा नहीं बचेगा जो अष्टावक्र गीता के समझने के बाद कुछ समझना बाकी रह जाए इसलिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है अष्टावक्र गीता और कोई जानता नहीं बहुत ग्रंथ जानते हैं अष्टभक् गीता को लोग जानते ही नहीं मैं ही नहीं जानता था यद्यपि मेरा काम अन्य ग्रंथों से बन गया पर फिर भी जो अष्टवक् गीता का कहने का ढंग है वो बड़ा अनूठा है अनोखा है निराला है अष्टवक्र कह रहे हैं नहीं जनक कह रहे हैं अहो भुवन कल्लोलि विचित्रैर् द्राक्ष समुद्धितम मई अनंत महाम बहोध चित्तवाते समुद्य थे सागर में वैसे लहरें हैं नहीं सागर में लहरें नहीं है पर जब हवा चलती है हवा से लहरें बन पानी में लहरें नहीं होती लहरें तो हवा से होती है ये चैतन्य स्तर में ये चित्त जो चलता है ना इसके चलने से जगत रूपी लहरें बन जाती है जगत मालूम पड़ने लगता है चैतन्य सागर में चित्त चित्त रूपी हवा ये जब चलती है जब चित्त चलता है जब चित्त चंचल होता है तो जगत खड़ा हो जाता जगत कुछ नहीं है मैंने पहले बताया कि रात के समय जलते हुए तिनके को जलते हुए तिनके को ऐसे ऐसे करो तो लंबी आग की लाइन लगेगी ऐसे घुमाओ तो आग का बन नहीं सकता एक लाख रुपया दू गोला बना दो तुम एक तिनके से यदि तुम गोला बना दो दिखा दो नहीं कह रहा तुम तो जादूगर हो दिखा दोगे माया जादूगर नहीं है गोला दिखा तो दोगे अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैं भी कहूंगा गोला दिख तो गया मैं दिखने पे इनाम नहीं दूंगा तुम बना दो तो मैं एक लाख इनाम दूंगा शर्त है तुम ऐसे तिनके को करोगे लकीर आग की दिखाई पड़ेगी है नहीं वहा हो ही नहीं सकती दिखती है और तुम दिखने को प्रमाण कहते हो जितना समाज का मूर्ख आदमी है वो देखने को ही प्रमाण कहेगा जो दिखाई पड़ता है इससे ज्यादा प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत हम लोग कहते प्रत्यक्ष ही प्रमाण नहीं है और चाहे कोई प्रमाण हो तुम प्रत्यक्ष को प्रमाण कहते हो तुम अनुभव को प्रमाण कहते हो अनुभव तो हुआ लंबा लंबा अनुभव तो हुआ गोला गोला अनुभव तो हुआ इसमें दुख है इसमें सुख है तुम्हारा अनुभव प्रमाण है एक बार किसी सम्मेलन में बहुत निष्ठावान व्यक्ति ने कहा अनुभूति प्रमाण है तो दूसरे संत ने कहा अनुभूति प्रमाण नहीं हो सकती और अनुभूति अनुभूति से कट जाती है अभी कहोगे भोजन में बड़ा आनंद है दूसरे मिनट कहोगे अब आनंद नहीं है अनुभूति कैसे प्रमाण हो गई ब्याह में बड़ा सुख है फिर कहोगे ब्याह में नरक है तुम्हारी अनुभूति बदलती है तुम क्षण क्षण बदलते रहते हो हाँ केवल अनुभूति प्रमाण नहीं है नहीं तो अनुभूति तो तुम्हें भी है फिर गुरु की क्या जरूरत सिर्फ तुम्हें अपनी अनुभूति से अभी खुशी नहीं है अनुभूति तो है ही है तुम मर जाओगे पैदा हुए हो दुखी हो छोटे हो पापी हो दुखी हो अनुभूति है कि नहीं इस दुख की अनुभूति को काटने के लिए कोई और नई अनुभूति चाहिए चाहिए अनुभूति पर इस अनुभूति को बाधित करने के लिए इस अनुभूति को मिथ्या करने के लिए भी अनुभूति चाहिए केवल शब्द नहीं चाहिए यह ध्यान रखना तो वो कह रहे थे शब्द प्रमाण नहीं अनुभूति प्रमाण है यदि शब्द शब्द में ही यदि सब कुछ हो जाता तो तमाम लोगों ने वेदांत तो सुना है काम नहीं बना क्योंकि अनुभूति नहीं हुई अनुभूति होना चाहिए पर शब्द के अनुसार अनुभूति होना चाहिए इसलिए अनुभूति प्रमाण होना चाहिए शब्द मात्र में अटक नहीं जाना चाहिए जनक अनुभूति से बोल रहे शब्द सुने थे शब्द सुनकर के अनुभव किया शब्द में अर्थ छिपा है उन्होंने सुनकर के नहीं कहा कि मैं देह नहीं हूं अनुभव करके कहा कि सचमुच मैं दे नहीं हूं मैं जीव नहीं हूं हम लोग कहते जागृत सपन सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था ये बुद्धि के हैं मेरे नहीं अब तुम्हें लगता है इसके अलावा और कौन है मैं जगने सोने के अलावा सपनों के अलावा और चौथा क्या है मैं इसलिए उपनिषदों में चौथे की बात कही है चौथा आत्मा है तो तुम्हें जगना सोना अनुभव में आता है जगना सोना तुम्हारी अनुभूति है पर सदा रहना तुम्हारी अनुभूति नहीं है विकार भ्रांति है विकार भ्रांति है अनुभूति है भ्रांति माने हाँ विकार की भ्रांति ही सही पर अनुभूति है तुम विकारी हो तुम दुखी हो तुम्हारी अनुभूति है ये निजी अनुभव है तुम्हारा जिसका ना वो बतावे पर ये मेरे में नहीं है तभी एक बात कही है जनक ने कि पता नहीं मैं किस चतुरता से समझ गया क्योंकि रोज सोता हूं रोज जगता हूं दुख सुख रोज हो रहे हैं फिर भी मैं कहता हूं ये मेरे धर्म नहीं है ये कैसे मैं समझ गया प्रैक्टिकल कर नहीं पाया प्रैक्टिकल में अभी भी सो रहा हूं प्रैक्टिकल में अभी जाग रहा हूं और कहता हूं जगना सोना मेरे स्वरूप में ये समझने का ढंग देखो शंकराचार्य के श्लोकों में है कहता है ना मैं मनुष्य हूं ना मैं स्त्री हूं अनुभव में तो यार आया कि मैं मनुष्य हूं मैं स्त्री हूं अनुभव में तो यह आ रहा है कि मुझे भूख लगी है मैं खाता हूं और शंकराचार्य कहते हैं मैं खाता ही नहीं अभी ऐसी अंधेर अब कोई बहुत ही श्रद्धावान हो और बुद्धिमान हो श्रद्धावान हो बुद्धिमान हो क्योंकि केवल बुद्धिमान हो गए ना श्रद्धावान नहीं हो गए तो कहोगे वो बकवास करते हैं कहते हैं भूख हमें लगती ही नहीं हम खाने वाले ही नहीं हम बूढ़े नहीं होते हम मरते ही नहीं ये जितनी गप है सब वेदांत में कई लोग कहते प्रैक्टिकल जगना सोना कब बंद होगा प्रैक्टिकल एक हरिगिरी जी महाराज थे हिमाचल के कानपुर गए उस समय पेट में दर्द हुआ मेरे पेट में दर्द तड़पा। मर्फिया का अफीम का इंजेक्शन लगा बैरालगन का लगा दो इंजेक्शन लगे हरी गिर जी आए कहते पेट में दर्द होता है दर्द होता है मैंने कहा हाँ तो खूब हंसे दुख प्रकट नहीं किया कुछ राजा और था खूब हंसे ठाका मार के कहने लगे तुम तुम ठीक हो तुम प्रैक्टिकल वेदांती नहीं हो प्रैक्टिकल होते तो दर्द नहीं होना चाहिए था तुम प्रैक्टिकल नहीं हो थ्योरी सिर्फ जानते हो इसलिए कह दिया दर्द होता है प्रैक्टिकल कहते कि जब दर्द ना हो तब हम समझेंगे कि तुम ज्ञानी हो प्रैक्टिकल तुम एक साधु ले आओ जो सोए ना हो सिद्ध करे कि मैं कभी नहीं सोता प्रैक्टिकल सिद्ध कर सकते हो कि हम कभी नहीं सोते प्रैक्टिकल तुम्हारा गुरु कभी नहीं सोता प्रैक्टिकल तुम्हारा गुरु कभी देह में नहीं आता हाँ यदि नहीं आता तो वही एक थ्योरी है जो जल्दी पकड़ में नहीं आती समझ जाओ तो सब कुछ करते हुए तुम कुछ नहीं कर रहे हो ये बहुत गहरा राज है कोई भाग्यशाली समझ सकता है इस राज को तुम आभास मेरा कल्पित अंश आभास अंश से होता है स्वरूप अंश नहीं आभास अंश जगता है स्वरूप अंश नहीं इसलिए उपनिषद में एक मंत्र है तद एजती तद ने जाती। वो नहीं चलता है वो चलता है वो कहीं नहीं जाता वो जाता है आभास अंश से जाता है स्वरूप अंश से नहीं अब ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए अब बुद्धू लोग आभा अंस कोई मान के हमें तो हमारे गुरु जी तो कभी नहीं सोते थे पर अभी हमारा सोना बंद नहीं हुआ तुम्हारे मूर्खों का बंद भी नहीं होना जब समझे ही नहीं है पता नहीं क्या लिए फिरते हो तुम अनुभूति को प्रमाण कह जा रहे हो अनुभूति जगने सोने की अभी भी हो रही है कई लोग प्रैक्टिकल लगे हैं कि हम सोना बंद कर देंगे दुख को आने ही न देंगे जगत दिखने ही न देंगे मेरे आभासंस में जगत दिखता है स्वरूप अंश में न जगत कभी था ना है ना होगा ये जगत देखा है आभासंस अंश से स्वरूप अंश से जगत अभी तक हमने देखा ही नहीं ब्रह्म ने कभी जगत नहीं देखा उसको दिखते नहीं उसके आंखें कोई नहीं चैतन्य भर है आंखें आंखें ही है नहीं मन ही नहीं बुद्धि ही नहीं क्या देखेगा वो क्या जानेगा वो किसको जानेगा उसके लिए कोई और है भी ये और और अंश के हैं, मैं हूं तुम हो, ये है वो है इंद्रिया है पाप है पुण्य है इसलिए विलक्षणता अध्यस्त अंश और अधिष्ठानंश इसको ठीक से समझो यही जड़ ग्रंथी है यही जीवाध्यास है इसको ठीक समझो और एक बात फिर कह दूं। तुम मुक्ति के लिए सुनना सिर्फ मुक्ति के लिए इस ज्ञान का प्रयोग करना अपनी शांति के लिए इस ज्ञान का प्रयोग करना राजनीति मत करना तुम छल मत करना चतुराई मत करना चलाकी मत करना चतुर लोग नहीं हां इस बात के लिए चतुराई चाहिए कि कैसे तुम इस सारे प्रपंच से अलग जान सको हो सके तो जनक कहते पहले मैं भी मैं भी ऐसे बुद्धू बन के समझता था और ये चाहता था जीता रहूं मर न जाऊं आनंद में रहूं दुख ना हो मुक्त हो जाऊं बंधन चला जाए तो जब समझा तो पता चला बंधन कोई था ही नहीं अज्ञानकृत बंधन था ज्ञान से कटा तम निष्कृत्य सुखी भव अज्ञान जनित वासना का बंधन काट भ्रम काटा तू मुक्त हो जा अभी अगले शिविर में नहीं इसी शिविर में किसी ने अभी हमें बताया कि एक दो गुड़ के आए थे पता नहीं आए थे या घूमने आए थे तो बहाना कर गए कि प्रवचन जो है हमारी समझ में नहीं आता इसलिए जा रहे हैं समझ में नहीं आया ये तो चलो मैं भी मान लू प्रवचन समझ नहीं आए तो भी तुम समझदार हो सकते हो क्यों समझदार समझ नहीं आया कल समझ आ जाएगा पर समझदार भी नहीं हो समझ में तो आया नहीं पर समझदार भी नहीं हो यदि समझदार होते तो समझ ना आने पर भी रुकते नहीं बात बनती तो रुकते एक इंजेक्शन नहीं फायदा करता तो चलो दूसरा और लगवाते हैं पर ही यहां से लौट सकता है कोई समझदार यहां से नहीं लौट सकता और यहां से लौट जाओगे तो तुम्हें कहीं ठौर भी नहीं मिलना यह भी मैं बता दू तुम समझते हो और जगह कल्याण हो जाएगा इस ब्रह्म विद्या के अलावा कहीं कल्याण की जगह है तुम्हें समझ ना आए तुम पापी भी हो तो ना एक गुरुदेव के कीर्तन गोंदिया में कोई गाता था एक आध लाइन मेरे को इस प्रसंग में आती है मैंने अद्भुत देखा चमत्कार गुरुदेव आपके चरणों में चम, चमत्कार देखा क्या देखा पहुंचे हैं वही पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं तो जबकि ये कहना चाहिए चलते पहुंचे हैं वही जो चलते हैं पर वो कहते पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं गुरुदेव आपके चरणों में और चढ़ते हैं वही चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं गुरुदेव आपके चरणों में जो चढ़ते हैं वो नहीं चढ़ते जो गिरते हैं वो चढ़ कई यहां चढ़ने ही आते हैं कि गुरु जी के भी ऊपर चढ़ जाए गुरु जी को सीढ़ी बनावे गुरु जी को साधन बनावें और साध्य है कुर्सी साध्य है गद्दी कब ये जाएं अधिकार हम को मिल जाए ये चढ़ने आए हैं ये नहीं चढ़ेंगे कभी जो चढ़ेंगे वो गिरेंगे और जो गिरेंगे वो चढ़ जाएंगे अभी अलग अलग समाज के संस्कार हैं सिख परिवार की बेटियां झाड़ू दे रही हैं पोचा लगा रही हैं पोछ रही हैं संत दलेल सिंह जी के शिष्य एक बार किताबें खरीदने आए वो सब गुरु ग्रंथ साहब के आदर करने वाले लोग हैं हमारी किताब पढ़ी देखी तो उन्होंने कहा हमें बहुत खेद हुआ है इतनी ये इतनी कैसे रखते हो क्योंकि हम लोगों में संस्कार नहीं ऐसे रख देते हैं तो आप लोगों में कोई सेवा का श्रद्धा का नमन का संस्कार नहीं है हाँ चलते में पैर पकड़ के गिरा तो सकते हो पर प्रणाम का श्रद्धा का आनंद नहीं जानते कि हाथ जोड़े बैठे हो मन मुग्ध हो जाए आंखें बंद हो समाधि लग जाए सेवा करते मन गदगद हो जाए दर्शन करके मन फूल जाए हाथ जोड़ते आंसू बह जाए वो कहां है अहो भुवन कल्लोलेर विचित्री दार्क समुथितम मयन महाबोधौ चित्तवाते समुद्यते चित्त की हवा चलने से चित्त रूपी हवा जब चलती है तो लहरें खड़ी हो जाती है सागर में उस सागर में तो थोड़ा यहाँ और क्या है यहां आत्मा वैसे ही बनी रहती है और लहरें बन जाती है आत्मा को बिगाड़ती नहीं परिणाम नहीं है सागर का परिणाम हो सकता है लहर ये आत्मा बिना अभिकारी हुए अपनी महिमा में ज्यो का त्यों रहते आभास होकर दिखने लगता है परिवर्तित दिखने लगता है परिवर्तित होता नहीं इतना ध्यान रखना रिफ्लेक्शन के रूप में चेंज होते सूर्य में जरा भी चेंज उसके हिलने पर भी सूर्य जरा भी जनक कह रहे हैं कि चित्त की वार हवा के कारण सागर में लहरें दिखती हैं यद्यपि दिखने पर भी होती होती उस सागर में तो चाहे हो भी गई हो इस सागर में सिर्फ चित्त की हिलना ही है वहां कुछ आत्मा आत्मा हिल नहीं गई नजर चित्त की वृत्तियां और आभास आते हैं इसलिए लगता है चंद्रमा तो नजर आता नहीं पानी में प्रतिबिंब नजर आता है पानी के हिलने से चंद्रमा हिलता दिखता है पर जिसको वही चंद्रमा लगता हो असली चंद्रमा पर जिसकी नजरें न गई हो वो बुद्धू कहेगा चंद्रमा हिलने लगा समझदार कहेगा चंद्रमा कभी हिला है चंद्रमा कभी ठहरा है जल ठहरने से आभास ठहरता है ऐसे ही आभाषंश के धर्म अपनी आत्मा में आरोपित कर रखे हैं और तुम दुख अनुभव कर रहे हो पर चलो पहले वृत्ति चित्त के हिलने से जगत रूपी लहरें दिखने लगती हैं प्रकट हो जाती है मालूम पड़ती है और अगले श्लोक में क्या कहते हैं और जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती मई अनंत महाम उचित बातें प्रशां थी जब चैतन्य सागर में वृत्ति की हवा शांत हो जाती है जब आंधी नहीं चलती हवा नहीं चलती तो कहीं कोई लहर तब मुझ में कोई जगत तब मुझ में कोई जीव तब मुझे कोई बंधन केवल चित्त की वृत्ति के ये चलने से सब खड़ा हो जाता है जब यह शांत तो हो जाती है कहीं कुछ नहीं है इसलिए मन से मनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध थे सिर्फ चित्त चित्त जब शांत तो हो जाता है एक लाइन का अर्थ मुझे नहीं खुलता क्योंकि इसमें कह दिया अभाग्यात जीव वाणी वणिजो अभाग्या दुर्भाग्य से जीव रूपी बनिया जीव आभास रूपी बनिया अब दुर्भाग्य से जगत पोतो जगत के जहाज में बैठा है अभागा जीव अभागा आभास चित्त की वृत्तियों से जो दिख रहा है जगत इसमें बैठा है जगत पोता जगत रूपी नाव में बैठा है और दुखी सुखी होता है डरता है पर जब इसकी चित्तवृत्ति की हवा शांत तो हो जाती है तो नाव ही नहीं रहती जहाज़ ही नहीं रहता उसका भी नाश हो जाता है जहाज में बैठा है डर रहा है डूब न जाए अपन जब जाते हैं ना ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए गए तो ऊपर वाले जहाज से हैं तो क्या ऊपर वाले से खतरा नहीं है अरे जल वाला जहाज तो डुबो ही देता है यदि ऊपर वाला गिर जाए तो चकना चोर नहीं कर दे पर कहते अभागा जीव जगत रूपी जहाज में बैठा है अभागा जीव बैठा है और देख सोच रहा है चिंता कर रहा है दुख मान रहा पर यदि इसकी चित्तवृत्ति की हलचल कम हो जाए तो जहाज ही गायब हो जाता है गिरने का खतरा ही नहीं जहाज में बैठे ही नहीं फिर तो तुम वहां हो जहां न जहाज है ना कोई चिंता है ना मौत है तुम जिस देह में बैठे हो जिस संसार में बैठे लगते हो ये जहाज है इस जहाज में चित्त की वृत्तियों के कारण बैठे लग रहे हो जहाज भी दिखने जगत भी दिखने लगा वृत्तियों से यदि वृत्तियां शांत तो हो जाएं तो कहीं संसार ही नहीं है डूबने का खतरा ही नहीं है पर यह तभी संभव है जब ये हवा चित अब मन को वायु के समान चंचल कहा कृष्ण ने ये वायु के समान चंचल है, है? पर स्थिर हो सकता है शांत तो हो सकता है और यह क्यों दौड़ता है असल में यह भी बड़ा विचित्र काम है जगत है ये देख के चंचल है जगत को देखकर चंचल है और ये सोचता है कि मैं चंचल हूं ये मिल जाए यदि जगत नहीं होता तो चंचल किसके लिए होता सुख देखा जीवन देखा इसलिए चंचल है दौड़ता है और जितना ही दौड़ता है ना चित्त उतना ही संसार और लहरें बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है जितना ये हिलेगा एक जगह मैंने पढ़ा कि एक आदमी तूफान आ गया तूफान इतना तूफान आया आदमी परेशान किसी ने कहा चुप बैठ जा वह तूफान बैठने नहीं देता कि तू बैठ जा तूफान बैठ जाएगा असल में तुम्हें लगता है संसार परेशान करता है तू शांत तो, तो हो जा देख कहां है कोई हिलाने वाला तो तूफान कई बार एक जगह मैंने कहा कि हवा से ज्योति नहीं हिल रही ज्योति हिलती है तो हवा चल पड़ती है ज्योति हिल जाए तो हवा ऐसे ही मन हिल जाए तो जगत खड़ा हो जाता यदि अंदर कुछ ना हिले तो जगत है ही नहीं एक मैंने दृष्टांत तो पढ़ा कि एक मठ में झंडा लगा था झंडा एक साधु कहता है मठ का कि झंडा हिल रहा है दूसरे ने कहा झंडा नहीं हिलता झंडा हिल ही नहीं सकता हवा हिलती है जैसे अभी कह रहे थे लहर क्या है हवा कहने लगे झंडा नहीं हिल रहा हवा तो किसी तीसरे साधु ने कहा ना झंडा हिलता है ना हवा हिलती है तेरा मन हिल रहा यदि तेरा मन हिलता ना हो तो कहीं पता ही ना चलेगा कौन हिलता है तेरे मन के हिलने से जगत लगता है है ये हो गया तू दुख तू तू कल्पना करता है दुख सुख खड़े हो जाते हैं तू समझता है कोई दुख देता है तू दुख पैदा कर रहा है स्वयं तू शांत हो जा कहीं दुख नहीं है इसलिए ये सागर समाप्त हो जाता है चैतन्य सागर समाप्त नहीं होता ये दुख सागर चिंता का सागर भय जितना है ये सब खत्म हो जाते हैं पर तुम जिस जहाज पर बैठे हो इस जहाज के बैठने के कुछ दुख हैं। कई जहाज होते हैं जो दुख से पार होने के होते हैं पार जाने के लिए बाहे गुरु नाम जहाज है ये डूबने के लिए जिसमें तुम बैठे हो ना ये डुबो देने वाला जहाज है जिस नाव में बैठे हो जिस शरीर में बैठे हो जिस देश संसार में ये तो मार देने वाला है इसलिए इससे कब उतरोगे ये नष्ट हो इसके पहले तुम उतर जाओ स्वप्न में कोई मरे कि इसके पहले स्वप्न ही मर जाए तुम जग जाओ यदि तुम स्वप्न में रहे और कोई मरा तो क्या होगा और तुम जग जाओ सारा स्वप्न मर जाए ये सारा संसार मिट जाए तो दुख नहीं पर तुम जब तक इसमें बैठे हो कहीं ये मर जाए तो तुम ही मर गए इसलिए क्या करो ये जहाज के नष्ट होने के पहले तुम अपनी वृत्ति को शांत करो जिससे जहाज खो जाए कौन सा संसार संसार खो जाए संसार खो जाए तो दुख नहीं होगा तुम स्वप्ने में हो खो जाए तो दुख है तुम स्वप्ने में ना हो खो जाए तो आनंद है तुम तुम्हारी चित्तवृत्ति शांत हो जाए तुम चैतन्य सागर हो जाओ तुम आत्मा हो यह अनुभव करो फिर संसार न रहे और ना रहेगा ये दिखते ही तब है जब तुम्हारी चित्त वृत्तियां चंचल होती हैं तो जगत खड़ा होता है फिर इसी में तुम डूबते मरते रहते हो एक बार तुम चित्त की वृत्ति को शांत करो जनक कह रहे हैं जगत पोतो बिनाश्वरा जगत रूपी जहाज नश्वर है दुख देता है पर ये नश्वर जगत भी तब तक है नश्वर भी जब तक तुम अपने आप में नहीं आए नहीं नश्वर नहीं ये झूठा है झूठा होने में नश्वर होने में फर्क है में जब तुम उनको देख रहे थे लड़का मरा था तो नश्वर था पति मरा पत्नी मरी नश्वर थी भैंस मरी गाय मरी कोई नहीं कुत्ता ही मरा तुम्हारा घर गिरा नश्वर था वो नाशवान था जागे तब नाशवान नहीं था।, था ही नहीं सपना था नाशवान भी दुख देता है जिस नाव में जिस जहाज में बैठे लग रहे हो ये नश्वर है पर यदि तुम चित्त शांत करके देखोगे तो यह है ही नहीं है जागने पर स्वप्न में मरे जिए होते हैं क्या इसलिए जगत नाशवान है ये आम आदमी का सोच है मेरे जानते जगत नाशवान नहीं है जगत मिथ्या है नाशवान तो गधे भी मानते हैं किसी गधे से पूछना मूर्ख से मूर्ख आदमी लाना तो ये मरने वाला है ये बूढ़ा है ये नहीं रहेगा चिंता करता है मूर्ख से मूर्ख जो डर रहा है मरने को जीने की इच्छा कर रहा है क्यों क्योंकि नाशवान है ज्ञानी क्यों नहीं कहते वह ही नहीं वह है ही नहीं नाचवान कह मैं हूं मैं मरता नहीं ये दिखता ही भर है ही नहीं क्या मरना इसलिए ज्ञानी की नजर में और आम आदमी की नजर में बड़ा फर्क है मई अनंत महाम बोधा बोधो आश्चर्य जीव बीचया मैं अनंत महामोधो मुझ अनंत सागर में मुझ अनंत चैतन्य सागर में जगत बीची इसमें कहा जीव बीची जीव बीची स्वभाव था मुझे चैतन्य में ये जीवों का प्रकट होना जीव जीव रूपी ले रहे यहाँ संसार निक जीव रूपी जीव बीची स्वभाव था ये जगना सो जाना ये जीव का प्रकट हो जाना खो जाना ये स्वभाव से चैतन्य में हो रहा है लेकिन ये अपने को मालूम नहीं है अपन लोग रह तो रहे हैं ये जीव ही हैं अपन अपन ब्रह्मा ही नहीं बल्कि हम तो ब्रह्मा ही नहीं बहुत के लिए तो ब्रह्मा ही नहीं है हम तो हैं पर हम जीव हैं, जगते सोते हैं अल्पज्ञ हैं देह में हैं छोड़ते हैं आते हैं जाते हैं बस जीवत तो का ही पता है पीछे छिपे हुए आत्मा का पता नहीं है उनके लिए है ही नहीं बहुतेरों के लिए आत्मा आत्मा तो तुम चलो कह चुके हो परमात्मा और ब्रह्म बुद्ध ने परमात्मा नहीं स्वीकारा जैनियों ने आत्मा स्वीकारा परमात्मा जैनियों ने नहीं स्वीकारा बुद्ध ने तो आत्मा भी नहीं स्वीकारा मैं उसको तुम्हारे लिए कहता हूं मैं बुद्ध के लिए नहीं कहता बुद्ध तो समझ गए थे कहीं तुम अटक न जाओ इसलिए तुम्हें कहा था पर मैं तुम्हारे लिए फिर कहता हूं यदि आत्मा नहीं है तो आभास ही भर तो है और तुम्हें आभास के अलावा पता है कुछ आत्मा आत्मा तुम रिफ्लेक्शन जिंदा है सूर्य का पता ही नहीं कोई कहते हैं, नहीं हम सूर्य उर्य नहीं मानते हम हैं ईश्वर नहीं है हम हैं अपने होने में कोई संदेह भी नहीं है लेकिन यदि यही हो तो सोते हो कि नहीं फिर शुद्ध चेतन कौन है ये बताओ ये तो सो जाता है कभी ना सोने वाला चेतन कहाँ है यही है क्या कभी ना आने वाला चेतन कौन है ये तो रोज आता है देह में रोज छोड़ता है, है तो सचमुच जो चेतन साथ परमात्मा है या काल पुरुष है उसको अपन जानते नहीं कई लोग नहीं जानते पर मानते हैं कि हाँ है, होगा व्यापक है जानते नहीं परिचय नहीं है जगत बीची तो जगत बीची जीव बीची जगत रूपी लहरें या जीव रूपी लहरें ये जीव रूपी लहरें चैतन्य में उठती है बिना सूर्य के कोई रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बहुत सूर्य बहुत ये जीव बीची स्वभाव होता ये रोज पर्दा होंगे रोज सोएंगे रोज आएंगे रोज जाएंगे ये जीव बीची है जीव बीची स्वभाव जनक कह रहे हैं स्वभाव से हो रहे हैं इनको रोकने राखने का काम मेरे पास भी नहीं है जीव बीची स्वभाव था फिर उद्यंती घनति खेलंती प्रविशंती स्वभाव था ये आती है जगती है रहती है फिर लय हो जाती है ये चैतन्यता रो जाती है फिर लय हो, हो जाती है फिर लड़ती है खेलती है मिलती है जुलती है सब रोज स्वभाव से होती है कह लगे तो होती है फायदा क्या हुआ होती ही रहेंगी यही तो बात है एक बार तुम चैतन्य सागर को तो समझो तो इन लहरों के होने ना होने से तुम्हें जो तकलीफ मालूम पड़ती थी किसी को न रहने की तकलीफ किसी को मिट जाने का डर किसी को ये बनी क्यों है ये खो जाए ये पड़ोसीन आ ये क्यों है ये हम बड़े दुखी हैं एक लहर से लहर दुखी एक लहर से लहर सुखी अब ये लहरें जिंदा हैं सागर का पता ही नहीं है इसलिए जब ये जानेंगे कि मुझे सागर में ये चैतन्यता की लहरें उठती हैं जीवत्व की लहरें उठती हैं जीव लहरें उठ रही हैं ये जगती हैं रहती हैं पैदा होती हैं खो जाती हैं ये स्वभाव से हैं लेकिन आ, स्वभाव था तुम्हें कोई तकलीफ कहीं तकलीफ तब थी जब तक अष्टावक्र की बात नहीं सुनी जब तक इस सच्चाई को नहीं समझा अब समझ आ गया कि यह होता दिखने पर भी मेरा कुछ होता ही नहीं अच्छा मेरा कुछ होता नहीं कैसे करें कैसे बताएं बताओ होना बंद करके बताएं थोड़ी देर को चित्त शांत करके सोचो अब फिर भी यदि तुम शांत करके सोचोगे तो वृत्ति खड़ी होगी ना तो फिर कहोगे गड़बड़ हो गए यदि तुम रिफ्लेक्शन के नाते तुम शांत भी हो जाओ समाधि लगा लो फिर रहती नहीं समाधि आपकी तो बनी रहेगी शंकर भगवान की नहीं रही तुम तो उनसे बड़े योगी हो सदा सोए नहीं रहते सदा जागे नहीं रहते समाधि में नहीं रहते सदा तो एक ही रहता है ना कोई राम ना कोई कृष्ण ना कोई मैं ना कोई तुम सदा एक ही रहता है एक ही रहेगा एक ही रहता रहा है और सब तो जगते सोते लहरें ही हैं और तुम भी समझो तब दो में तो मानना पड़ेगा या तो तुम लहर हो या तुम सागर हो और यही कृष्ण ने समझा यही बुद्ध ने समझा यही महावीर ने समझा और यही किसी किसी ने जिसने समझा इन लहरों को लहर समझा अपने को ही सत्य समझा वही मुक्त हो गए उद्यंती घनंती खेलती प्रविशंती उत्पन्न होती हैं, थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ संघर्ष करती हैं खेलती हैं और वापस लय हो जाती है कौन जीव रूपी ले रहे चैतन्य जल भी खो जाएगा ऐसा कोई है जो नहीं खोता जो नहीं खोता समझता है वो तो है इंसान और जो खोता समझता है वो है खोता समझ में आ गए तुम कभी नहीं खो इस खोने वाले को मैं समझते हो और यदि इसको राम भी समझे ना तो उनके पास शरीर था जगना था उठते थे यदि इसी को वो समझते तो वो भी तुम्हारी तरह मरेंगे और यदि तुम समझ जाओ तो कृष्ण और राम और बुद्ध और महावीर की तरह तुम भी मुक्त हो बस इतनी सी बात है अब हम कितना कह पाएंगे इतना आपको वचन देते हैं कि इसको कभी ना कभी पूरा करेंगे